तो आप क्या कहेंगे अपनी जीत पर? सबसे पहले चौके पे क्या कहेंगे बताओ? ये चौका जो है वो गोविंद डोटासरा का नहीं है, लक्ष्मणगढ़ के मेरे जागरूक मतदाताओं का है, जिन्होंने मेरे पे पूरा भरोसा जताया फिर से चौथी बार और आशीर्वाद देकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। और राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और माहौल बहुत पक्ष में रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि जितना गलत प्रचार, दुष्प्रचार, धनबल का प्रयोग, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए जो चुनाव लड़ा है, ये राजस्थान की जनता सब देख रही है। हम अभी भी आशान्वित हैं कि जो परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और सीकर जिले में जो परिणाम आ रहे हैं वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं। भारी संख्या के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे जीत करके पुनः राजस्थान की विधानसभा में जा रहे हैं। शेखावाटी का परिणाम भी अच्छा है। मैं समझता हूँ जब पूरे राजस्थान का जो ईवीएम के बाद में पोस्टल बैलेट पेपर का जो परिणाम जुड़ करके लास्ट में परिणाम आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 156 के दावे सर मैंने तो किए नहीं, बट जो भी चुनाव लड़ता है वो अपनी ऊर्जा के साथ में, अच्छी उम्मीद के साथ में चुनाव लड़ता है। बाकी फैसला जनता जनार्दन का है, जनता जनार्दन जिस रूप में आशीर्वाद देती है वो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सर कम हुए क्या कारण मानते हैं सीटें? कारण तो आप देख रहे हो, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार कंपेनिंग कर रहे थे, जैसे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, कितनी रोड सभाएं, कितनी एजेंसियां आई, कितना ईडी का दुरुपयोग हुआ, कितना गलत तरीके से लांछन लगाए गए, एक तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने किया। राठौड़ साहब चुनाव लूज कर गए सर, ये कमी हमें खलेगी राजस्थान की विधानसभा में। वो काफी लंबे समय से थे, हालांकि वो मेरे विपक्षी पार्टी के नेता हैं, लेकिन उनका विधानसभा में नहीं आना ये कमी खलेगी हम सब लोगों को। सर ये आपका ये मतलब उनके प्रति कमी खलाना है कि तंज मार रहे हो? मैं तो कोई तंज मारता नहीं, तंज जो मारता है उसको जनता परिणाम दे देती है। मैंने तो कभी उनके ऊपर तंज मारा नहीं। ठीक है, हार जीत है, जनता तय करती है, हम लोग नेता तय नहीं करते। सर अभी आपको कमी महसूस हो रही है, कल परसों तो आप कह रहे थे वो हार रहे चुनाव। मैं तो हरा ही रहा था, मैं कौन सा जीता रहा था, लेकिन लेकिन अगर वहाँ रहते तो एक पार्लियामेंट्री व्यक्ति अगर वहाँ रहता है तो मैं समझता हूँ ठीक रहता है, लेकिन अब जनता जनार्दन है, उन्होंने फैसला दिया है और हमारे खिलाफ थे, इसलिए हम तो हराते ही, हम कौन सा उनको जीता करके। ईडी की कार्रवाई के बाद में सर मानते हैं आपकी विधानसभा लक्ष्मणगढ़ में एक हमदर्दी बनी आपके लिए? देखिए कोई भी बात हो, जब जनता को चुभने वाली बात कोई नेता या पार्टी करती है तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं। मेरे बारे में, मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता, मेरे सीकर के लोग, तमाम लोग जानते हैं कि बहुत ही ईमानदारी के साथ में मैंने जनता की सेवा की है। तो इस तरीके से आचार संहिता के बाद में जिस प्रकार का माहौल बना करके, एक तरीके से बदनाम करके एक षड्यंत्र रचा गया था, तो निश्चित रूप से जनता में इस बात का आक्रोश था और उन्होंने वोट के माध्यम से उस बात का जवाब दिया। सर वसुंधरा जी को लेकर के आपने कहा था कि इनके नेता को स्वीकार नहीं किया, आप क्या मानते सीएम की दौड़ में भाजपा? सीएम तो जब बहुमत आएगा तब वसुंधरा जी की बात चलेगी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है मुझे नहीं लगता है इनमें आपस में कोई सुलह होगी या एका रखेंगे। 5 साल भी ये आपस में झगड़ते रहे, अब भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये झगड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर कांग्रेस की सरकार में? मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार बनने का आधार क्या? देखिए जो बहुत कम मार्जिन की जो सीटें हैं अभी भी, जो आपकी ईवीएम की गणना चल रही है, उसके बाद में जो पोस्टल बैलेट पेपर है, उन पोस्टल बैलेट पेपर में जो रुझान आ रहा है, अब तक जो पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती हुई है
उसमें अधिकतर 60-70-75% तक जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। तो जो 1000-2000 के मार्जिन की जितने भी सीटें हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी और परिणाम सर कांग्रेस का सीएम कांग्रेस की सरकार का दावा कर रहे हो सीएम तो हमारी पार्टी ने बहुत पहले से तय कर रखा है कि पार्टी आलाकमान सबसे चर्चा करके जीते हुए विधायकों से और फिर पार्टी आलाकमान फैसला करेगी। जाट मुख्यमंत्री की मांग लंबे समय से पूरी करेगी क्या कांग्रेस? ये कोई जातियों का खेल नहीं है, प्रजातंत्र है। इसमें 3600 कौमों को साथ लेकर पार्टियां चलती हैं और जब पार्टियां 36 कौमों को साथ लेकर के चलती हैं तो पार्टियों में जो चुनाव जीत करके आते हैं उनकी राय से फिर जो भी पार्टी होती है हमारी पार्टी आलाकमान जो फैसला करता है वो ही नेतृत्व करता है। आपका काला चेहरा आप गुलाबी हो गया लगता है ना जनता जनार्दन है।